हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट हेल्प। ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखे गए ऑफ ग्रेट प्लेस का के समरी पे बनाया गया मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले के दोनों पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनको पहले देखिए, तभी आपको यहाँ की आगे का कंटेंट समझ में आएगा। उन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उन दोनों वीडियोज़ का, तो एक बार जाके आप उन दोनों वीडियोज़ को देखिए, तब जाके ये समझ आएगा। एंड ये जो समरी है, जो इससे रिलेटेड नोट्स हैं, ये आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। एंड अगेन, ब्लॉग का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं हमारे कंटेंट की ओर, लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले आपको यही याद दिलाऊंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक इंसान को अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस भी कंसल्ट करना चाहिए टू लर्न गुड थिंग्स एंड टू सीक अ बेटर फ्यूचर। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेगन कहते हैं कि किसी भी इंसान को जो भी एक हाई पोजिशन पर है, He should preserve the dignity of his office by occupying his place properly and not by challenging others. इसका मतलब ये, आपने देखा होगा कई सारे ऑफिसर्स में, आप अगर किसी काम के लिए जाएं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो अपने छोटे ऑफिसर्स को बड़े ही एकदम कंटेम्प्ट वे में ट्रीट करेंगे और उनसे इस तरह से बात करते हैं जैसे कि वो उन्हें ओन करते हैं, जैसे कि वो जो कि लोअर ऑफिसर्स हैं वो बड़े ऑफिसर्स के स्लेव्स होते हैं। तो बेकन कहते हैं कि ऐसा करने से किसी भी ऑफिस का माहौल ख़राब होता है और काम में मन किसी का नहीं लगने वाला। तो करना क्या चाहिए? वन शुड प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, मतलब कि जो भी ऑफिस में है वो अपनी डिग्निटी के हिसाब से काम करें और वो अपने प्लेस को प्रॉपरली ऑक्यूपाई करें और बाकियों को चैलेंज ना करें। लाइकवाइज, वन शुड ऑल्सो प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ लोअर ऑफिसेस बाय परमिटिंग अदर्स टू डू द जॉब्स विदाउट इंटरफेयरिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी बड़े ऑफिस में जाइए किसी काम के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपको दिखेगा वहाँ पे जो भी सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो अपने लोअर ऑफिशियल्स को एकदम कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट करेंगे एंड दे विल ट्रीट देम एज इफ़ कि जो भी लोअर ऑफिशियल्स हैं वो हायर ऑफिशियल्स के स्लेव्स हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके जॉब्स में इंटरफेरेंस होता है और जो कि लोअर ऑफिसर्स की डिग्निटी है उस पर चोट लगता है। एंड इन दिस वे जो भी प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल वो तो घट ही रहा है एंड ऐसे भी लोअर जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका मोरल तो डाउन होता ही होता है। Moreover, one should always consult others and consider their advice whenever they are needed. Similarly, one should not refuse the help whenever one or anyone else offers. मतलब कि किसी को भी अपने काम के लिए हेल्प लेने से नहीं झिझकना चाहिए और कोई भी अगर ऑफर कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। Bacon, the great philosopher of the time, illustrates the three vices of great place: corruption, डिलेज, रफनेस एंड फैसिलिटी। मतलब कि किसी भी ग्रेट प्लेस में जो आपको तीन कुरीतियाँ दिखेंगी, तीन बड़ी कुरीतियाँ दिखेंगी, उनमें है करप्शन, डिले एंड रफनेस। अब करप्शन तो मैंने बताया इतनी बार कि आप अगर घूसखोरी कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि जो कि लीगली परमिटेड नहीं है, तो वो करप्शन के दायरे में आता है। डिलेज, आपने देखा होगा कई सारे अधिकारी अगर ऑफिस 9 बजे खुलता है तो पहुँचेंगे 11 बजे, नाश्ता करके लंच करने के टाइम पे फिर जल्दी निकल जाएंगे। अब इसका एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल SBI है, आप कभी भी वहाँ पर पहुँच जाओ उनका लंच टाइम चलता रहता है। तो ये कुछ लाइवली एग्जांपल्स हैं जो कि मैं दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप अगेन इनको एग्जाम पेपर में मत लिख देना। और इसके अलावा रफनेस, कोई भी जो कि सीनियर ऑफिशियल है, आप देखिएगा वो एक रॉब के साथ आपसे बात करेगा। आप उससे भले ही किसी बड़े अच्छे से बात करो, किसी नॉर्मल काम के लिए आप उसके पास गए हो, लेकिन द वे ही विल रिएक्ट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। वो अपने रुतबे का ज़रूर आपको एहसास करवाएगा। तो अगेन, इससे क्या होता है, किसी भी ऑफिस की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है और नॉर्मल लोगों के नज़रों में उसके रिस्पेक्ट में भी असर पड़ता है। बेकन सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीका है। डिले से बचने का सीधा तरीका यह है कि आप पंक्चुअल रहिए और किसी भी टाइम पर सही तरह से पहुँचिए। इसके अलावा करप्शन को अवॉइड करने के लिए उन लोगों को भी रोकने की ज़रूरत है जो कि उनको ब्राइब यानी कि घूस ऑफर कर रहे हैं, और खुद के हाथों को भी रोकना चाहिए कि हम ब्राइब नहीं लेंगे। वहीं रफनेस की जहाँ तक बात है, तो आप इसको सिंपली इस तरह से टैकल कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि है किसी अथॉरिटेटिव प्लेस में है, वो अपने नॉर्मल लोगों, अपने लोअर ऑफिशियल से या उसके पास जो भी काम करवाने के लिए जो भी नॉर्मल लोग आते हैं, ऑर्डिनरी पीपल आते हैं, उनके साथ वो आराम से बात करे। इससे क्या होगा कि उन जो कि नॉर्मल लोग हैं उनके दिल में कोई डर नहीं बैठेगा कि अच्छा ये बड़ा अधिकारी है, कुछ कर सकता है, कुछ लिख देगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। लास्टली, For the facility, Bacon calls it worst that bribery and advises that one shouldn't go after the break. मतलब कि आपको
ब्राइबरी से बचने की ज़रूरत है। और इस तरह से क्या होगा कि आपका ऑफिस, अगर कि बड़े ऑफिशियल्स ब्राइब से बच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है छोटे ऑफिशियल्स में एक मैसेज जाएगा कि अगर हमारे सीनियर्स नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ये तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से एसे का लास्ट पैराग्राफ आता है, और यहाँ पर बेकन कहते हैं कि दैट अ ग्रेट प्लेस शोज द ट्रू नेचर ऑफ अ मैन, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ ही इज, सम पीपल प्रूव टू बी बेटर वाइल अदर्स द वर्स्ट। अब ये बात एकदम सही है कि किसी भी बड़े जगह पे आप चले जाओ, किसी भी बड़े ऑफिस में चले जाओ, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई भी इंसान कैसा है। अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो आपसे अच्छे से ही बर्ताव करेगा पावर मिलने के बाद भी, और अगर कोई इंसान अच्छा इसीलिए वेट कर रहा था कि मुझे एक दिन पावर मिले और उसके बाद ओके मैं अब तो लोगों को दिखाऊंगा कि पावर का मतलब क्या होता है, तो इस तरह का इंसान आपसे कभी भी सही से बात नहीं करेगा, और उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी करप्ट होगा, वो रफनेस होगा। तो इन दिस वे किसी भी ग्रेट प्लेस में आप जाइए, वहाँ पे जो भी इंसान है वो खुद को शो करेगा, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ ही इज़। एंड फर्दर जो भी लोग हैं वहाँ पे, कुछ आपको बहुत अच्छे दिखेंगे तो कुछ आपको बहुत बुरे दिखेंगे। देर आर सम पीपल हुम पीपल थिंक टू बी बेस्ट फॉर द एम्पायर व्हेन दे आर नॉट एम्परर्स, दैट इज़ बाय अटेनिंग पावर दे प्रूव टू बी वर्स्ट। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग आपको दिखेंगे कि जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं काफ़ी अच्छे बने फिरते हैं, ये कहेंगे कि हम लोग एक बार ये बन जाए, ये करेंगे अच्छा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वंस दे गेट द पावर ये सारी बातें हवा हो जाती हैं, और दे बिगेन टू डू जस्ट द सेम थिंग्स कि वो करप्शन में इंडल्ज करेंगे, रफनेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से कई सारे लोग अपना रियल चेहरा किसी भी पावरफुल पोजिशन पर पहुँचने के बाद दिखाते हैं। अ मैन नीड्स अदर्स टू राइज एट अ ग्रेट प्लेस, बट वंस ही इज़ इलेक्टेड ही शुड बैलेंस हिमसेल्फ टू रिप्रेजेंट द होल सोसाइटी। अब इसको एक लाइवली एग्जांपल से समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी विधायक हो, कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, वो जब तक चुनाता नहीं है, उसका जब तक चुनाव नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होता है, तो तब तक उसके लिए कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल एकदम भगवान होते हैं, और आपको कई सारे रैलीज में वो कहते हुए मिल जाएंगे कि आप तो हमारे माई बाप हो। लेकिन वंस यू आर डन, आपने वोट कास्ट कर दिया, इसके बाद ये लोग आपको पहचानते भी नहीं है, आप कुछ भी इनके पास काम लेकर जाओ ये लोग आपको धुतकार के वहाँ से भगाएंगे। तो यही बेकन कह रहे हैं कि अ मैन नीड्स अदर्स, किसी अन्य इंसान की ज़रूरत होती है, अन्य लोगों की ज़रूरत होती है किसी भी इंसान को किसी बड़े पोजीशन पे पहुंचने के लिए, लेकिन वंस ही इज़ इलेक्टेड, इस बेकन ऐसा कहते हैं कि उस इंसान को खुद को बैलेंस करना चाहिए और पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन अगेन रियल लाइफ में आप देखोगे तो ये होता नहीं है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द एसे एंड सो इट इज़ द एंड ऑफ द समरी एज वेल। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो डू आस्क फॉर इट, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो अन्य इस पर रिलेटेड कंटेंट्स हैं वो भी जल्दी ही आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो डू चेक द चैनल रेगुलरली। और अगर फिर भी कोई आपको ऐसा कंटेंट लगता है जो कि अवेलेबल नहीं है और जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप उसका डिमांड कर सकते हैं, और विदाउट एनी हेजिटेशन करना है। तो कहाँ करना है वो मैंने आपको चैनल वीडियो स्टार्ट करने के पहले बताया था। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।